हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय एंटैंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 13-12 से लेकर के 23 तक चर्चा की, जहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो भौतिक लाभ की आशा से प्रवृत्त होता है वो अनेक अनेक यज्ञ उपासनाएं करता है, धर्म का उपयोग वो अर्थ एवं काम के लिए करता है और ऐसे वो कर्मों की श्रृंखला में बंधता जाता है, चाहे वो किसी भी देवता की उपासना करे। देवता स्वयं अनित्य हैं, देवताओं से मिलने वाले वरदान अनित्य हैं, उस व्यक्ति का स्वयं देह इस भौतिक जगत में अनित्य है, तो ऐसे अनित्य चीजों से भरे हुए इस भौतिक जगत में वो नित्य सुख की इच्छा कर रहा है, यही माया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति से कहते हैं कि माते द बेस्ट थिंग इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस विद लव एंड फेथ, श्रद्धा और भाव से युक्त भक्ति योग का अवलंबन कीजिए। तो आज से हम श्लोक क्रमांक 24 पर चर्चा करेंगे। द लास्ट थिंग दैट वी हैड सीन, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। सो भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति, भक्ति किस लिए? भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वो योग बन जाती है। जनयति आशु वैराग्यम, तुरंत ऐसी भक्ति क्या करेगी? वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न करेगी। तो आज श्लोक क्रमांक 24 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 24। यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियं अप्रियमित्युत। द एक्सॉल्टेड डिवोटीज माइंड बिकम्स इक्विपॉइज्ड इन सेंसरी एक्टिविटीज एंड इज ट्रांसेंडेंटल टू दैट विच इज अग्रीएबल एंड नॉट अग्रीएबल। एक भक्त जो पूरी तरह से भगवान की शरण ले चुका है, वो भौतिक इंद्रियों के उपयोग में भोग की वासना से पूरी तरह से ऊपर चला जाता है। सो ही इज सैटिस्फाइड व्हेन ही गेट्स इंद्रिय भोग, ही इज सैटिस्फाइड इवन इफ ही डज नॉट गेट इंद्रिय भोग। तो इंद्रियों के कार्यकलापों में वो पूरी तरह से सम है। उपभोग मिले अत्यधिक आनंद नहीं है, अगर इंद्रिय विषय वस्तु न मिले उसका भी बहुत बड़ा कोई दुख नहीं है। जैसे भगवान रखेंगे वैसे वो रहने के लिए तैयार है। सो ये चेतना हम देखते हैं भगवान हमें भगवद्गीता में बहुत सुंदर रूप से दो श्लोकों में समझाते हैं कि हाउ अ डिवोटी ट्रांसेंड्स, हाउ अ डिवोटीज माइंड इज दुखेशु अन उद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। मुनि या भक्त, वन हु इज अ
नॉलेजेबल पर्सन, मुनि याने जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो मुनि। दुखेशु अन उद्विग्न मनः, दुख में उसका मन व्यथित नहीं होता। ठीक है, अगर दुख है, मेरे ही कर्मों का फल है, दुख है। सुखेशु विकत स्पृहा, स्पृहा याने भोग की इच्छा। इस भौतिक जगत में जैसी हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, when I see that good times have come, it immediately brings forth a tendency to enjoy. हमने देखा है, जब सर बहुत ज्यादा भारी है, दुख रहा है, पेट में गड़बड़ हो रही है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जैसे सब ठीक हो जाए वैसे तुरंत हमें खाने की इच्छा है, ये क्यों नहीं लाया, वो क्यों नहीं लाया, तुरंत। इट डजंट टेक टाइम। कल सर दर्द हो रहा था, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, आज सब ठीक हो गया है, तुरंत मैं चाहता हूं कि मैं पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, पास्ता खाऊं। सो दुखेषु अन उद्विग्न मनः, दुख में हमारा मन उद्वेगित होता है, इट इज ऑलवेज इन अ एक्साइटेड मोड। सुखेषु विगत स्पृह, सुख में भी एक्साइटेड मोड। सो दिस एक्साइटमेंट which is driven by misery or the excitement which is driven by happiness, both are absent in a devotee. Yes. So Bhagavad Gita सातवे अध्याय नहीं, दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। Yes. हमने पहले जो ये श्लोक बात की 2.56, दुखेशु अन उद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध। सो राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, एंड क्रोध इज एंगर। सो जब अटैचमेंट है किसी विषय वस्तु से, तो उस विषय वस्तु के छिन ले जाने का भय है, और अल्टीमेटली जब मृत्यु के समय या संहार के समय वो वस्तु छिन ली जाएगी तब क्रोध आएगा। सो वीत राग भय क्रोध स्थित धीहि, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि धीही स्थित हो गई। यस, इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस, ही इज अ मुनि, ही इज अ डिवोटी। सो उसका मन कैसा होता है, 2.70 दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, 17th वर्स, भगवान हमें बताते हैं, अपूर्यमाणं अचला प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान उदाहरण एक समुद्र से देते हैं। तो समुद्र में भरी मानसून में अनेक नदियां असंख्य गैलन्स ऑफ लीटर्स ऑफ पानी भर के नदी समुद्र की तरफ ला रही हैं। तो समुद्र में कई बार हम देखते हैं नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन क्या समुद्र में बाढ़ आती है? समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र में एक बार सुनामी आई थी, बाढ़ भी नहीं थी, सुनामी थी। वो 10 मिनट के लिए सुनामी चली, उसका क्या प्रभाव हुआ हम सब जानते हैं। Yes. तो भरी मानसून में अच्छे से नदियां पानी भर भर के समुद्र में ला रही है, समुद्र उससे व्यथित नहीं है, या भरी गर्मी में सारी नदियां जब सूख जाती हैं उसमें भी समुद्र नीचे नहीं जाता कि अरे नदियों में से पानी नहीं आ रहा, अब क्या करूं। सो समुद्र में इतना पानी है कि नदी का पानी आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर कंडीशन। हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल लॉजिक में एक कंडीशन थी, डोंट केयर कंडीशन, वो ऑन हो या न हो। यस, यू हैव अ गेट, टू इनपुट्स, ए एंड बी। सो बी का कुछ भी ये हो, ए को हमेशा क्लोज रहना चाहिए, या बी का कुछ भी हो, ए को हमेशा ऑन रहना चाहिए। सो डोंट केयर कंडीशन। यस, सो उसी प्रकार से एक भक्त, उसका मन जो है, उसकी चेतना जो है, उसके तात्विक या क्षणिक मन और इंद्रियां और बुद्धि से आने वाले जो प्रलोभन है उससे वो विचलित नहीं होती।
सो इसीलिए वैषम्य प्रियम अप्रियम इति उतः, तो उसके लिए कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय ऐसा रह ही नहीं जाता। वह देखता है और जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये सब इस प्रकृति का खेल है, और इस खेल में क्या मदद कर रहा है, ये शरीर मदद कर रहा है जो कि माया के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। सो दिस बॉडी इज अ मशीन मेड बाय मटेरियल नेचर अंडर द ग्रिप ऑफ माया, एंड दिस बॉडी इज मेकिंग मी गो थ्रू सम रोलर कोस्टर राइड्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट अल्टीमेटली आई एम ट्रांसेंडेंटल टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी। माया और भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुझे ये शरीर मिला है और इस शरीर से जुड़े हुए कुछ सुख कुछ दुख मुझे इस जीवन में भोगने हैं, लेकिन शाश्वत रूप से मैं इस जीवन मरण सुख दुख लाभ या हानि इन सब से मैं बहुत ऊपर हूं, मुझे इसके अस्तित्व का कोई लेना ही देना ही नहीं है। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति रोना ये कैसा है, जैसा समुद्र रो रहा हो अरे नदी में ने पानी देना ही बंद कर दिया, अरे लेकिन आपके पास इतना पानी है आपको नदी के पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से हम आत्मा के रूप में सच्चित आनंद हैं, ये सच्चित आनंद को इंद्रिय भोग मनोभोग और अहंकारिक भोग की कोई जरूरत ही नहीं है। जो शाश्वत आध्यात्मिक आनंद है उसके सामने ये भौतिक सुख ये नगण्य है। उसी प्रकार जिस प्रकार से समुद्र में जितना पानी है उसके सामने सारी नदियों का पानी एकत्र कर दिया जाए तो वो भी नगण्य है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो इफ द ओशन स्टार्ट्स क्राइंग ओ व्हाट इज दिस, दिस इज समर सीजन, क्या करें ये तो इतना भरी गर्मी है, सारी नदियों ने पानी लाना बंद ही कर दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा, तो ये समुद्र के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो उससे बहुत ऊपर है। उसी प्रकार से वो अगर भरी बारिश में कहता है अरे इतना क्यों पानी ला रही हो, रुको भाई मैं ओवरफ्लो हो जाऊंगा, नहीं नहीं होगे ओवरफ्लो। सो समवन हु इज इक्विपॉइंस्ड, इक्विपॉइंस्ड मींस मन चाहे या नदी के रूप में कितनी ही इच्छाएं हमारे चित्त में ला रहा हो लेकिन एक मुनि उससे व्यथित नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं 2.70 अपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापम ये प्रविशन्ति सर्वत। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं इन द पर्पट। तात्पर्य में कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम हिज अबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। एक व्यक्ति का सही में उसका पुरुषार्थ कहाँ है, जब इंद्रिय भोग की विषय वस्तुएं उसके सामने दी जाती हैं उससे वो कैसे निपटता है, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुल ऑफ एंजॉयमेंट, दैट इज वेयर हिज एक्चुअल पुरुषत्व इज। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं कि ये स्थिति कैसी है, यदास्य चित्तम अर्थेषु समेश्विंद्रिय वृत्ति भी ही। जो कुछ भी भक्ति में अच्छा है उसको लेने के लिए चित्त तैयार है, जो कुछ भी भक्ति में अच्छा नहीं है उसको चित्त लेने के लिए तैयार नहीं है। ये भी हम देखते हैं शरणागति के पहले दो अंगों के प्रति अपनी उंगली दिखाता है कि शरणागति के पहले दो अंग क्या है, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है मैं उसे पूरे हृदय से विद ओपन आर्म्स आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, मुझे पसंद आ रहा हो या न आ रहा हो आई एक्सेप्ट इट। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो कुछ भी अच्छा नहीं है भगवान की सेवा में मैं उसे त्याग करता हूं, चाहे मेरी पर्सनली उसके प्रति कितनी ही आसक्ति क्यों ना हो। दिस इज अ वेरी वेरी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। बट देन कपिल मुनि is telling his mother Devahuti, because neither Kapila nor Devahuti are ordinary. Na Kapil Muni sadharan hai,
न देवाहुति साधारण है। श्लोक क्रमांक 25। सतदैवात्मनात्मानं निसंगं समदर्शनं हेयोपादेयरहितं आरूढं पदमीक्षते। Because of his transcendental intelligence, the pure devotee is equipoised in his vision and sees himself to be uncontaminated by matter. He does not see anything as superior or inferior, and he feels himself elevated to the transcendental platform of being equal in qualities with the Supreme Person. तो ऐसी चेतना जो व्यक्ति को इंद्रिय और मन के द्वारा निर्माण भोगों से परावृत्त करती है, ऐसी चेतना क्या करती है? That transcendental intelligence, the pure devotee is equipoised in his vision. तो वो dualities को नहीं देखता, भौतिक जगत में वो द्वंद्वों को नहीं देखता। He is equipoised in his vision. And he sees himself to be uncontaminated by matter. प्रकृति के तीन गुणों के अधीन जीव इस संसार में अलग अलग प्रकार की चीजें कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका इन सारी चीजों से कोई संबंध नहीं है। देखते हैं हम कि श्रीमद् भागवत में 27वें अध्याय में बताया गया है कि जो जीव है वो गौण करता है। He is a secondary worker. The primary worker is gunas. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashah. Ahankar vimudhatma kartaham iti manyate. तो प्रकृति के तीन गुण सत्व रज और तम ये एक व्यक्ति से प्रैक्टिकली कार्य करवा रहे, जैसे एक बैलों की जोड़ी का मालिक उनको बैलगाड़ी में जोत करके उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। तो जैसे बैलों के अंदर व्यक्ति से बहुत ज्यादा ताकत है, मतलब बैल के एक सींग पर आदमी कहां से कहां उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, 5-6 फीट उड़ जाएगा वो एक सींग पे। लेकिन ऐसे बैल को भी हताश और विवश करके हम अपने रस्सी पर उसको चलाते हैं। तो बैल तो केवल शारीरिक रूप से दृष्ट पुष्ट है, उसको हमने अपने वश में कर लिया। हम तो शारीरिक रूप से भी दृष्ट पुष्ट हैं, मानसिक और बौद्धिक रूप से भी दृष्ट पुष्ट हैं, फिर भी प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही है। तो सोचिए प्रकृति कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। जैसे बैल को व्यक्ति कंट्रोल करता है, वैसे व्यक्ति के इंद्रिय और मन को प्रकृति या तीन गुण कंट्रोल कर रहे हैं। सोचिए प्रकृति और ये तीन गुण कितने शक्तिशाली होनी चाहिए। इट इज नॉट ईजी। यस, सो जब हम निसंग हो जाते हैं, निसंग, संग याने प्रकृति के तीन गुणों के साथ रहना, ये संग दोष कहलाता है। निसंग याने ऐसे कार्य या ऐसी चेतना जहां पे हम न सत्व न रजस न कि तमस वृत्ति के गुणों से आसक्त हो करके उस प्रकार के कार्यकलापों में हम लगे हुए हैं। नो, यस, सो निसंगम समदर्शनम। सो जब व्यक्ति भौतिक जगत में आके भौतिक प्रकृति का संग कर रहा है, तो भगवान बताते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। द प्राइमरी डूअर इज द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, बट क्योंकि जीव उन भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रति आसक्त है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास कोई बहुत बड़ी कंपनी है और हमने जनरल मैनेजर करके एक बहुत ही विश्वासु व्यक्ति को रखा है, हमारी तरफ से विश्वासु व्यक्ति, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है, पूरा अंदर झोल कर रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा विश्वास है उसके ऊपर, मैं उसके प्रति कुछ नहीं कर पा रहा हूं और कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि
लोग देखते हैं कि अरे ये ओनर का है, ये मैनेजर के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन वो कर सब गड़बड़ रहा है, वहां पे विश्वासघात कर रहा है। उसी प्रकार हम जीव के रूप में मन बुद्धि और अहंकार के साथ में हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप करे हुए हैं। वी हैव मेड आवर बेस्ट फ्रेंडशिप विथ आवर माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, अनलेस वी गिव अवे दैट फ्रेंडशिप। तो हम देखते हैं कि निसंग होना ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के तीन गुणों से परे होंगे तभी वो निसंगत्व कहलाएगा। ऐसी परिस्थिति में फिर जब व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो अकर्म होगा, नहीं तो बेसिकली प्रकृति इज गेटिंग वर्क्स डन, लेकिन प्रकृति के प्रलोभनों पर हम चल रहे हैं, इसलिए भौतिक जगत में हमारा जो अस्तित्व है, हमारे जो जन्म है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो निसंग याने भौतिक प्रकृति के संग, सत्व रजक तम के संग से मुक्त हो जाए। सो एक्टिंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, इट ट्रांसेंड्स एनीवन एंड एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो हम तो इस भौतिक जगत में कुछ कर नहीं रहे, कर रहा है प्रकृति, तो प्रकृति कर रही है तो मुझे क्यों दंड मिल रहा है भाई? प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणी कर्माणी सर्वश, तो करते रहने तो मुझे छोड़ दो। नहीं, इसी आपने अगर कभी कार रैलीज देखे, कार रैलीज मतलब F1 F2 वैसे नहीं, जो कंट्री साइड में कार रैलीज होता है, यूरोप में वगैरह रेसेस होते हैं, फोर व्हीलर कार रेसेस, तो वहां पे एक ड्राइवर होता है और ड्राइवर के साथ में उसको रास्ता दिखाने वाला एक नेविगेटर होता है। अब गाड़ी के क्लच ब्रेक स्टीयरिंग सब कुछ ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो नेविगेटर की जान को भी खतरा ही है। ऐसा नहीं है कि नेविगेटर पूरी तरह से मस्त है, नहीं, नेविगेटर ऑल्सो हैज क्वेश्चन मार्क टू हिज एग्जिस्टेंस। तो हालांकि कंट्रोल सारे उस ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो नेविगेटर को भी लगेगा। तो नेविगेटर ये नहीं बोल सकता अरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं थे, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया। द फैक्ट कि आप उस कार में बैठे, इसका मतलब यू आर अग्रीइंग कि ड्राइवर के हाथ में मेरा अस्तित्व है, अगर कुछ हो गया तो फिर मैं खुद जिम्मेदार हूं, ड्राइवर नहीं है, है कि नहीं? सो इस प्रकार से अब उन कार रैली वाले कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें प्रथम कारक कौन है? ड्राइवर। गौण कारक कौन है? नेविगेटर। तो हालांकि एक्चुअली उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जीव जिस प्रकार से रह रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर रहा है, फिर भी उसे भोगना पड़ेगा। ये कितनी विडंबनाएं देखिए, अर्थात कोई और मस्ती करे और उसका खामियाजा हम भोगें। क्या नॉर्मल जीवन में भी हम ऐसे करेंगे? नहीं, लेकिन हर भौतिक जीवन में हम ऐसे ही करते हैं। प्रकृति सारी चीजें कर रही है, खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सो प्रकृति क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी इच्छा थी, वो भोग की इच्छा थी भगवान से विमुख होके, इसलिए प्रकृति यह कर रही है। तो निसंग अवस्था में वो अपने आप को क्या करता है? वो इस सारे भौतिक तामझाम से देखता है कि मैं इससे ऊपर हूं, आई एम नॉट सपोज टू बी एंटेंगल्ड इन मटीरियल एग्जिस्टेंस। श्लोक क्रमांक 36, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवानी कईयते। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट अलोन इज कंप्लीट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही अपीयर्स डिफरेंटली ईदर एज इम्पर्सनल ब्रह्मन एज परमात्मा और एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और एज पुरुष अवतार।
तो हालांकि भगवान एक हैं, लेकिन जिस मार्ग से हम उनके पास जाना चाहेंगे तो हर एक मार्ग का जो फाइनल रियलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मार्ग ही कही है। सो जो कोई भी ज्ञान योगी है वो क्या करना चाहेगा, वो भगवान में विलीन होना चाहेगा। तो उसको भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है, वो भगवान परमात्मा, भगवान क्या है, ब्रह्म स्वरूप है, और उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करना है। सो ज्ञान योगी के लिए भगवान उस ब्रह्म के रूप में दिखते हैं। जो ध्यान या अष्टांग योग कर रहा है वो भगवान को किस रूप में देखना चाहता है, अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखना चाहता है। परमात्मा भगवान का वो अंश जो हरेक जीव के हृदय में एक कमल के फूल के ऊपर खड़ा है। एंड समवन हु इज इवन मोर क्लोजर, जो भक्ति योगी हैं वो भगवान को अपने समूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। एंड दिस इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे हम जब किसी, हम रेलवे में से जा रहे हैं तो रेलवे से जाते जाते हम बाहर सीनरी देखते हैं, दूर से पहाड़ दिखता है, तो पहाड़ हमें या तो ग्रीन या तो ब्राउन ऐसे दिखाई देता है, तो दूर से हमें पहाड़ ग्रीन या ब्राउन दिखाई देगा। जैसे जैसे रेल पास आती जाएगी हमें उसमें की चीजें विशेष, अरे कहां पर थोड़ा गड्ढा है, कहां पर लैंडस्लाइड हुई है, कौन सा भाग ज्यादा हरा है, कौन सा भाग ज्यादा घास फूस से भरा है, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और उससे भी अधिक हम जब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक्चुअली व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन टॉप ऑफ दैट माउंटेन, तो उसमें से हर एक पेड़ का रंग, उसकी छाल का कलर, उसका कद कितना है, फिर नीचे रेप्टाइल्स कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, वन्य हिंस्र प्राणी हैं, दो पेड़ों के तनों के बीच में मकड़ी का जाला है, ये सारी चीजें हमें उन पेड़ों के बारे में पता चलती है, उस पहाड़ के बारे में पता चलती है। तो हालांकि ज्ञान उस एक पहाड़ का ही है, लेकिन जितना दूर से देखेंगे उतना वो एकात्म दिखाई देगा। एवरीथिंग विल सीम लाइक वन, इट्स लाइक वन पहाड़। When I go further closer, I see, नहीं, यहाँ पहाड़ में तो अलग अलग वृक्ष हैं और अलग अलग वृक्ष का कलर अलग है, उनका हाइट अलग है, छटाएं हैं ग्रीन की, अगर ग्रीन भी है तो भी सब एकदम परफेक्ट वही ग्रीन नहीं है, छटाएं हैं, विविधता आती है। जब हम प्रैक्टिकली उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं तो और विविधताएं दिखती हैं। तो ब्रह्मन कंसेप्ट ऑफ गॉड इज वेरिन लीस्ट वेरिएगेटेडनेस, कोई विविधता नहीं है। दूर से पहाड़ को देखना, दूर से भगवान को देखना, कोई विविधता नहीं है। उससे ऊपर है परमात्मा स्वरूप, ओ भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हम सभी के हृदय में है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापि युक्तो देहेस्मिन पुरुषः परः। सो ये चार पांच चीजें करते हैं परमात्मा ने। इस ये है योगी, इसके ऊपर है भक्त जो भगवान को यही नहीं जानता कि वो भगवान यहां पर हैं, भगवान का एक अपना घर भी है जहां पर उनकी माँ है यशोदा मैया, उनके पिता है नंद महाराज, उनकी एक गर्लफ्रेंड है राधा रानी, वो वृंदावन धाम है, वहां पे वो कैसे रहते हैं। दिस इवन मोर डिटेल अबाउट दैट सेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो वी सी अल्टीमेटली इट इज वन कृष्णा, बट द रियलाइजेशन ऑफ दैट वन कृष्णा डू वेरी, वो अलग अलग होते रहेंगे। श्लोक क्रमांक 27, एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युञ्जते अभितो ह्यर्थो यत्संगस्तु कृत्स्नशः।
The greatest common understanding for all yogis is complete detachment from matter, which can be achieved by different kinds of yoga. सारे योगियों के लिए मूलभूत तत्व क्या है? भौतिक संसार और भौतिक प्रकृति से अनासक्ति, ये बेसिक चीज है। ये छोड़ दिया तो योग में कुछ बचा ही नहीं। सो यहां हम देखते हैं हाउ द डेफिनेशन ऑफ योगा एज पर भागवत एंड द डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ट्रेंड एंड नॉमेनक्लेचर। आजकल के जीवन के हिसाब से योगा क्या है? थोड़ा फिट रह जाओ, थोड़ा एरोबिक्स करो, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर डुलाओ, थोड़ा प्राणायाम करो, योगा हो गया, दैट इज योगा। नो, योगा डजंट मीन टू कीप द बॉडी फिट। योगा मीन्स व्हेन आई इंक्लूड कृष्णा इन माय लाइफ, दैट इज योगा। योग का अर्थ शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना नहीं है, योग का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। ये डेफिनेशन विदाउट एनी फ्लॉ अच्छी तरह से जहन में बैठ जानी चाहिए। What is yoga? Yoga is when I include God in my life, moment to moment. That is yoga. So the greatest common understanding for all yogis is complete detachment from matter. अगर आपने third, fourth में हमने maths में fractions पढ़े थे, तो fractions 9 divided by 3 is equal to 3. Yes. 3 divided by 2 is 1.33. So fractions and decimals, ये सब हमने पढ़े थे। So fractions जब हमने पढ़े थे, we had learned two concepts: greatest common denominator and lowest common multiple. आपको याद है? LCM and GCD. So जब हमको दो fractions से उन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या उनसे कोई related sum है, तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इन फ्रैक्शंस टू कैलकुलेट। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM और हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर HCD या GCD। सो वैसे ही किसी भी योग पद्धति में द ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इज सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल। चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग हो, या भक्ति योग हो, द एसेंस इज इंद्रिय और मन का निग्रह। इन दोनों का निग्रह किए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी सारी योग पद्धतियों में भक्ति योग एकमात्र ऐसी परफेक्ट प्रक्रिया है जहां पे हम इंद्रियों का दमन करते हैं बुरी चीजों से, लेकिन इंद्रियों का उपयोग करते हैं अच्छी चीजों में। So when I utilize my senses in Krishna's service, then automatically all negativities will be taken care. Yes, जितना मैं number line में positive की तरफ जाता जाऊंगा, 1, 2, 3, उतना मैं negative number line -1 से मैं और ज्यादा दूर जाता जाऊंगा। मुझे -1 से दूर जाने के लिए और कुछ करना नहीं है, मुझे बस positive की तरफ बढ़ते रहना है। मैं negative से अपने आप दूर जाता रहूंगा। उसी प्रकार से हम जब अपनी इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब को विद ऑल द फैकल्टीज इन आवर हैंड, व्हेन वी यूटिलाइज देम इन कृष्णा सर्विस, तो हम जब, फॉर दोज हु आर फ्रॉम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, सो मराठी में हम आरती के बाद गाते हैं घालीन लोटांगण वंदीन चरण, यस, उसमें कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिम स्वभावात् करोमि यज्ञम सकल परस्मै नारायण इति समर्पयामि। यस, सो कायेन शरीर से, वाचा बोलने से, जिह्वा से, मनसा मन से, इंद्रियैर्वा इंद्रियों से, बुद्धिया बुद्धि से, आत्मना चेतना से, प्रकृतिम प्रकृति जैसे भगवान ने दी है, स्वभाव जैसे मेरा चित्त आया है प्रोग्राम्ड होके, फैक्ट्री सेटिंग जो मेरी है। सो कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात् आत्मना प्रकृतिम स्वभावात् करोमि यज्ञम। विद ऑल दीज फैकल्टीज एट माई डिस्पोजल, मैं क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा। और क्या करूंगा? सकल पर अस्मै नारायण इति समर्पयामि। यज्ञ करूंगा और सकल पर, इन सबसे ऊपर जो भगवान नारायण है, सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो भगवान नारायण है, उनके चरण कमलों में मैं इस यज्ञ को समर्पित कर दूंगा।
सो अंडरस्टैंडिंग इज परफेक्ट। तो इस प्रकार से जब हम अल्टीमेटली जानते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है उसे मुझे भगवान की सेवा में संलग्न करना है, देन थिंग्स आर परफेक्टली ऑल राइट। श्लोक क्रमांक 28, ज्ञानमेकम् पराचीनैर् इन्द्रियैर् ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांता शब्दादि धर्मिणा। Those who are averse to the transcendental real, averse to transcendence, Kshama kijiye. Those who are averse to the transcendence realize the Supreme Absolute Truth differently through speculative sense perception, and therefore, because of mistaken speculation, everything appears them to be relative. तो जो तत्वतः चीजों को नहीं जानते, केवल तर्क करना चाहते हैं, ऐसे लोग तर्क करके भगवान को सही रूप में समझ तो नहीं पाएंगे। यस, भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चाश्मि तत्वतः। मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावात यश्च अस्मि, जैसा मैं हूं वैसा मुझे कैसे जाना जा सकता है? केवल भक्ति योग से। यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, जो कोई भी मुझे तत्वतः जान लेगा, विशते तद अनंतरम, उस ट्रांसेंडेंटल या दिव्य भाव में वो नियमित रूप से मेरी सेवा करेगा, उसी स्थान पर वो रहेगा। सो दिस इज द हाइट ऑफ भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, योग्या माम अभिजानाति, नो भक्त्या माम अभिजानाति। Too many times till now in Bhagavad Gita and Bhagavatam that bhakti is the supreme most essence. Yes. So हम देखते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। वैष्णव संप्रदाय कहता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। तो उदाहरण प्रभुपाद जी एक स्वप्न का देते हैं। तो स्वप्न में मैं देखता हूं मेरे पीछे एक बाघ लगा हुआ है, और बाघ लगा हुआ है तो मैं दौड़ रहा हूं, बाघ भी मेरे पीछे दौड़ रहा है। तो बाघ मेरे शरीर के ऊपर झपट्टा मारता है, तब तुरंत मैं ऐसे मैं उड़ जाता हूं, मेरा शरीर पूरा पसीना पसीना है, मेरी आंखें ऐसी उगड़ी हो गई है, हार्ट बीट बढ़ गई है, बीपी भी बढ़ गया है, लेकिन वो सारा जो एक्सपीरियंस था वो स्वप्न था, उसमें कोई सातत्य नहीं था। लेकिन उस स्वप्न के कारण मेरी बॉडी पर जो रिएक्शन हुआ वो तो सत्य था, है कि नहीं? वो झूठ है क्या? मेरी जो हार्ट बीट बढ़ी है वो झूठ है? वो झूठ नहीं है। मेरा जो बीपी चढ़ गया है वो झूठ है? नहीं। मैं जो डर गया हूं वो झूठ है? नहीं। मेरा जो पसीना बह रहा है वो झूठ है? नहीं। मेरी सांसें फूल गई है वो झूठ है? वो झूठ नहीं है। सो स्वप्न का आना झूठ हो सकता है, लेकिन उससे जो मेरे शरीर पर विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो तो झूठ नहीं है। सो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लोग कहते हैं वो जो ऊपर भगवान है ना वो सत्य है, ये मिथ्या है। वैष्णव अंडरस्टैंडिंग कहता है ऐसा नहीं है, ब्रह्म भी सत्य है, और अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म सत्य से मिथ्या जगत कैसे आ सकता है? वो भी सत्य ही होना चाहिए ना। अगर मेरा शरीर है, मेरे पिताजी का शरीर है, उनके पिताजी का शरीर है, उनके पिताजी का शरीर है, परम पिता भगवान का कोई शरीर ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मनुष्य हूं, मैं गधे को जन्म दूंगा क्या? नहीं। मैं कुत्ता हूं तो मैं सियार को जन्म दूंगा क्या? नहीं। मनुष्य मनुष्य को ही जन्म देगा। तो भगवान है, उनका रूप है, तभी तो मेरा रूप है। अगर भगवान का रूप नहीं होता तो मेरे पास रूप कहां से आया? शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद दर्शन की पूरी तरह से प्रतिपादन किया, उसको एस्टैब्लिश किया, उन्होंने कई सारे पर्सनल फॉर्म्स के ऊपर ग्लोरिफिकेशन करते हुए कई सारे स्तोत्र भी लिखे हैं। लक्ष्मी नरसिंह कृपा कटाक्ष स्तोत्र, रंगनाथ अष्टकम, पांडुरंग अष्टकम, ये सारे दे आर ऑल ग्लोरिफाइंग द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु।
कंपोज्ड बाय शंकराचार्य। तो शंकराचार्य अगर मायावादी हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझते हैं, तो फिर भगवान के विग्रहों के आप आज भी गूगल अप कर लीजिए, जगन्नाथ अष्टकम, फिर पांडुरंग अष्टकम, ये सारे दे आर ऑल डिस्क्राइबिंग द फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड। सो अगर शंकराचार्य को फॉर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था, मायावाद भाष्य था, तो फिर उन्होंने उन स्वरूपों की गुणगान क्यों किया है? ये तो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्म, फ्रॉम फॉर्म कम्स फॉर्मलेसनेस। इट इज नेवर दैट फॉर्मलेसनेस, सॉरी या फ्रॉम फॉर्म कम्स फॉर्मलेसनेस। इट इज नेवर दैट फ्रॉम फॉर्मलेसनेस कम्स फॉर्म। या दूसरे तरीके से कहा जाए तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति ये शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट है। शक्ति जो है वो शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट शक्तिमान देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ शक्ति। उसी प्रकार से हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं, बट वी आर नॉट सो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑल्सो कि हम कुछ भी कर सकें। वी आर नॉट विष्णु तत्व, वी आर जीव तत्व। So we see this is very important. Because of mistaken identity that Brahma Satya Jagan Mithya, या मेरा कोई स्वरूप नहीं है इस भौतिक जगत में, मैं स्वरूप में आया हूं अर्थात यहां पर माया है। Because of this mistaken identity they see everything to be relative. They don't see things as absolute. We see material world also as a part and parcel of Krishna. In that sense, this is also absolute. इसीलिए तो हम यहाँ absolute के पीछे हैं। अगर यहाँ absolute नहीं होता, तो यहाँ पे हम absolute के पीछे पड़ते क्यों? Absolute का साक्षात्कार हमें इसी जीवन में हो सकता है, जैसे पांडवों को हुआ, तुकाराम महाराज को हुआ। इसी जीवन में हमें absolute truth का साक्षात्कार हो सकता है, provided Am I really hankering for it? रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति कैसे मिलती है। भक्ति प्राप्त करने का एक ही जरिया है, being intensely greedy for achieving भक्ति। भक्ति प्राप्त करने के लिए अतोनात प्रयत्न और अतोनात, मतलब जैसे प्रैक्टिकली एक लड़का जो बहुत भूख लेके आया है, उसको कोई कुछ नहीं दे रहा लेकिन हर कोई मस्त मस्त खा रहा था, वो उनकी प्लेट की तरफ देखेगा ही ना, नेचुरल वैसे। सो ज्ञान योगी इज नॉट सैटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे। और इसलिए हम देखते हैं ज्ञान योगी इज द कम बैक। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। मेरे अव्यक्त रूप के प्रति अगर आप आसक्त रहे तो इट इज गतिर दुखम। भगवान बताते हैं, सी भगवान भगवदगीता में 10.41 और 10.42 में भगवान कितने सुंदर रूप से बताते हैं। वह कहते हैं यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवा। वॉट एवर यू सी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल इट इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। Arjuna, know this. मैं क्या क्या बताऊ तुम्हें? Yes. अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टाभ्याहम इमं कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। By a mere fragmental drop of my potency, I maintain all the universes. With a fragment of एक अंशेन स्थितो जगत, I don't even bother. Yes. So, एक अंशेन स्थितो जगत, ये महान है भगवान। Yes. So, how can we say that everything is mithya? It is not so. Text 29. यथा महान हम रूप स्त्रीवृत पंच विध स्वराट एकादश विधिस्तस्य वपुरंडम जगद्यतः।
From total energy, the Mahatattva, I have manifested the false ego, the three modes of material nature, five material elements, the individual consciousness, 11 senses and material body. Similarly, the entire universe has also come from the Supreme Personality of Godhead. Yes. So, Bhagavan se kya kya aa raha hai? Kapil Muni bata hai, dekhiye, main hi hoon, jahan se ahankar aa raha hai, prakriti ke teen gun aa rahe hain, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि प्रमुख पंचमहाभूत आ रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी चेतना भगवान के कारण है। 11 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ऐसे 11 इंद्रिय हैं। और अंततोगत वाये शरीर। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? भगवान कहते हैं मेरे कारण हो रहा है। आई एम गेटिंग ऑल दीज थिंग्स डन, यू डोंट वरी, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बच्चा जब माँ के कोख से बाहर आता है, नेचुरली माँ और पिताजी उस बच्चे का पूरा लालन पालन करते हैं ना, है कि नहीं? बच्चे को क्या करना है? जस्ट रहना है घर में, प्रेम करना है अपने माता पिता से, बाकी सब कुछ माता पिता करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? Yes. So, इसीलिए श्लोक क्रमांक 30, एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निसंगो विरक्त्या परिपश्यति। दिस परफेक्ट नॉलेज कैन बी अचीव्ड बाय अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस विद फेथ स्टेडीनेस एंड फुल डिटैचमेंट एंड हु इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ द सुप्रीम। सो हु कैन नो ट्रांसेंडेंस? भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में कौन जान सकता है? Yes. Who is engaged in devotional service? जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक, निश्चय पूर्वक और विरक्ति से जो भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। It's very beautiful. It's a science. Yes. जो भक्तिमय सेवा में संलग्न है, वो सेवा करते हुए श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, निश्चित अस्खलित रूप से सेवा करता है और उसकी रिजल्ट्स के प्रति पूरी तरह अनासक्त रहता है। ये बॉक्सेस टिक हो गए, देन इट इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, अदरवाइज इट इज मटीरियल कॉन्शियसनेस। सो पहले भी हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 25 में निसंग शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी निसंग शब्द का प्रयोग हुआ है। सो गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर विच कैन ओनली हैपन बाय विरक्तिया विद डिटैचमेंट। परिपश्यति, परिपश्यति यानी जब वन गिव्स अप द अटैचमेंट टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, then he is able to actually perceive how things are going. हमने ये उदाहरण पहले भी दिया था, परिपश्यत उदासीनम 3.25.18 या 19 ऐसे कुछ। So परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हत ओजसाम। So परिपश्यत means he does not see only the effect, he sees the cause behind that effect. हमने मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, हम एक्सेलेटर खींचते हैं और उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो ऐसे एक्सेलेटर घुमाने में और गाड़ी की स्पीड बढ़ने में क्या क्या बीच में है? एक्सेलेटर केबल है जो कि कार्बोरेटर में लगी हुई है। कार्बोरेटर अच्छे से इंजन के अंदर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर छोड़ना चाहिए, उसके बाद में पिस्टन ब्लॉक स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग ने स्पार्क देना चाहिए, उसके बाद वो पिस्टन ब्लॉक मूव होना चाहिए, उससे क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट मूव होगा, उसके बाद में ड्राइव चेन चलेगी, ये सब में चीजें हो रही है, उसके बाद में उसका आउटपुट पहिए पर जाएगा। सो ये करता हूं मैं और पहिए जोर से घूमने लगते हैं, इसके बीच में ये सारी कड़ियां हैं। उसी प्रकार से मैं एंडेवर कर रहा हूं, सफलता के लिए मेहनत कर रहा हूं और सफलता एक्चुअली मिली, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ी, इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, हम भौतिक जगत को समझ नहीं पाएंगे।
सो इसीलिए विरक्तियां परिपश, जब तक विरक्ति नहीं आती हृदय में तब तक हम अपने आप को आउटसाइड देख करके चीजों को समझ नहीं सकते। मीडिएटर क्यों चाहिए होता है दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा के लिए? हर किसी को लगता है मेरा सही है, मेरा सही है। तो जो पहले से ही मेरा सही है कि चेतना में है, वो किसी और से कुछ नहीं ग्रहण करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। सो इसीलिए विरक्तियां, विरक्ति से हम अपने आप को भगवान के अंश के रूप में जान सकते हैं। श्लोक क्रमांक 31। इत्येत कथितं कुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। माय डियर रिस्पेक्टफुल मदर, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ बाय व्हिच वन कैन कम टू अंडरस्टैंड द रियल ट्रुथ ऑफ मैटर, स्पिरिट एंड द रिलेशनशिप। तो सही ज्ञान क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं और मेरा और भगवान का संबंध क्या है, भगवान मैं कौन हूं भक्त और हम दोनों के बीच का संबंध भक्ति। सो भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों को कैसे समझा जाए, ये हमने इस अध्याय में अब तक देखा है। सो थर्ड कैंटो पार्ट टू इज रियली स्पेशल। एक चैप्टर 25, 26, 27, 32, दे आर फिल्ड विद रियलाइजेशंस, डे टू डे रियलाइजेशन। So, ऐसे भगवत गीता पढ़ते रहिए, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप होमवर्क के रूप में पढ़िए ये सारे श्लोकों को या आगे आने वाले 10 श्लोकों को कल के लिए प्रिपेयर करके रखिए। एनी हाउ इफ यू आर विथ अस एंड सम एफर्ट्स आर देयर, विल बी एबल टू मेक आउट द बेस्ट ऑफ द गिवन पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस। थैंक यू वेरी वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।